गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चों, आज से फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए, इसके पिछले वीडियो में हम क्लास सेवेंथ मैथ के बारे में रेखीय समीकरण के बारे में कुछ जाने थे, और आज हम उसी पर आधारित जो आपका प्रश्नावली है यानी अभ्यास 8.1 उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे जो आपका है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला सवाल तो आपका लिखा गया है समीकरण x + 2 = 3 को हल करने के लिए दोनों पक्षों में घटाते हैं, यानी हमें समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्षों में हम कितना घटाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। तो देखिए बच्चों, अगर कोई समीकरण में हल करना है, समीकरण को x का मान निकालना है, तो हमें इस दोनों इस समीकरण की जो हमको लिखा गया है x + 2 = 3, इस समीकरण में हमें क्या घटाना होगा, तो हम क्या घटाएंगे। तो देखिए बच्चों, हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पे हमारा कितना है +2। अगर हम इसमें से प्लस माइनस तो घटा देते हैं, तो यहाँ से +2 और -2 कट के बराबर आ जाएगा, तो हमें यहाँ से x का मान हो जाएगा। तो इस समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, -2 घटाना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे जो कह सकते हैं x + 2 - 2 = 3 - 2। तो यहाँ से देखिए +2 - 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का बचेगा x, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 3। यानी आप कह सकते हैं कि इस समीकरण में दोनों पक्षों में कितना घटाना होगा, -2। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2। तो चलिए अब दूसरे समीकरण पे आते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या करना है। तो दूसरा समीकरण जो बच्चों है हमारा x = 3 - 2x, तो कहा जा रहा है को हल करने के लिए दोनों पक्षों में क्या जोड़ते हैं इस समीकरण को, यह आपका पहले का आंसर है। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा समीकरण दिया गया है x = 3 - 2x, इस समीकरण को अगर हम हल करें तो इनके सब इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें क्या जोड़ना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारा -2 है और यहाँ हमारा क्या केवल x है, तो हमें यहाँ क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण में हम तो बच्चों इस समीकरण में हमें देखिए क्या करना होगा, यानी हमारा +2 है, इसको हमको -2x इसको हमें हटाना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, -2 इसको हटाना, तो हम क्या ऐड करेंगे, 2x ऐड करेंगे। तो हम यहाँ समीकरण में इस समीकरण में दोनों पक्षों में क्या ऐड करेंगे, 2x। तो चलिए देखते हैं 2x जोड़ने पे हमारा क्या समीकरण बनता है, यहाँ x + 2x जितना हम बाएं पक्ष में ऐड करेंगे उतना दाएं पक्ष में, यहाँ 3 - 2x + 2x। तो देखिए यहाँ +2x या -2 या कट के आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पे देखिए 2 1x और यहाँ 2x, 2x और ये कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया, 3। तो यह हमारे इस दूसरे सवाल का आंसर हो गया, कितना आ गया हमारा, कितना हमने इसमें ऐड किया है, 2x। और पहले सवाल का हमने कहा गया था आपसे घटाने के लिए उसमें से क्या घटाया जाए, तो हमें वहां पे क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, तो तीसरा सवाल जो हमारा है 5x = 10, कितना है 5x = 10। तो कहा जा रहा है समीकरण 5x = 10 को हल करने के लिए दोनों पक्षों में 5 से करते हैं, क्या करते हैं, यानी इस समीकरण को हमें हल करना है, तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा 5 से। तो बच्चे इस समीकरण को हमें हल करने के लिए हमें इस समीकरण में 5 से क्या करना पड़ेगा, समीकरण के दोनों पक्षों में 5 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं भाग देने पे क्या होता है, देखिए अगर समीकरण के दोनों पक्ष में हम 5 से भाग देते हैं, तो यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ 5 × 2 कितना आ जाएगा, 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 10। तो हमें क्या करना है इस समीकरण में, मतलब इस समीकरण को हल करने के लिए दोनों पक्ष में क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो हमारा यहाँ क्या फिर करना है, भाग फिर करना है। चलिए बच्चे अब देखते हैं इसके बाद हम फोर्थ नंबर सवाल जो है, कहा गया है
एक्स बटे चार बराबर एक। को हल करने के लिए दोनों पक्षों में चार से करते हैं। अगर इस समीकरण दिया गया तो हमको कहा गया इस समीकरण में को हल करने के लिए हम इस समीकरण में चार से क्या करते हैं, तो हमको देखिए समीकरण को सॉल्व करने के लिए केवल क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालने के लिए हमें इस समीकरण में क्या करना पड़ेगा, चार से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ चार से गुणा करेंगे तो चार से चार हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक्स का क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा। तो हम इस समीकरण में क्या करेंगे, चार से गुणा करेंगे। तो आपका आंसर जो होगा फिल करना होगा, गुणा फिल करना होगा। उसके बाद लास्ट नंबर आपका ई है, चलिए देखते हैं उसमें क्या फिल करना है हमें। ई नंबर है तो कहा गया समीकरण x प्लस पांच बराबर छ, एक्स प्लस पांच बराबर छ में समीकरण का हल एक। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, कहा गया इस समीकरण का क्या एक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर हमें एक लाना है तो इस समीकरण का हल एक होगा। कैसे हल एक होगा, तो अगर इस समीकरण के हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, माइनस पांच जोड़ते हैं, यानी माइनस क्या पांच क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ देखिए एक्स प्लस पांच है, अगर माइनस पांच करते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा हमारे छह माइनस पांच, तो पांच में पांच से पांच प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स बराबर छह में से पांच जाएगा तो कितना बचेगा एक। तो यहाँ एक हमें क्या मिला, इस समीकरण का हल मिला है। तो हमारा जो पांचवे नंबर पे फिर करना होगा वह क्या होगा, हल होगा, यानी इस समीकरण का यानी x प्लस पांच बराबर छह का जो हल है वह कितना है, एक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्या करना है, जो आपको रिक्त स्थान जो पूर्ति करने के लिए दिया गया है तो उसमें आपको प्रश्न नंबर में क्या करना है, प्लस दो घटाना है इसमें से, दूसरे में माइनस दो आपको क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद तीसरे में क्या करना है, भाग देना है, चौथे में गुणा फिल करना है, पांचवे में हमें हल फिल करना है। तो चलिए आते हैं दूसरे नंबर सवाल में। तो क्या कहा गया दूसरे नंबर सवाल बच्चों, तो जो दूसरा नंबर सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी हमें समीकरण दिया गया है और उस समीकरण को क्या करना है, हल करना है और उसके में जांच करना है कि हमारा जो यह सवाल सही है, यानी हल करने के जो मान मिल रहा है वह हमारा सही है कि नहीं सही है। तो चलिए हम देखते हैं, आपको हल करके बताते हैं, उसको जांच भी करना हम आपको सिखाते हैं। तो पहला सवाल जो है वह हमारा 3x माइनस पांच बराबर चार, क्या 3x माइनस पांच बराबर चार। तो बच्चे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को इस समीकरण जो हमको दिया गया है उसको हम सबसे पहले हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर 3x माइनस पांच है, तो पहले हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों में हम पांच को गायब करेंगे, यानी यहाँ से पांच को गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस पांच है तो अगर यहाँ पांच प्लस पांच हम ऐड कर देंगे तो पांच हमारा गायब हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में पांच जोड़ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में पांच जोड़ने पर, तो चलिए देखिए बच्चों अगर हम दोनों इस समीकरण के दोनों पक्षों में पांच जोड़ते हैं, तीन एक्स माइनस पांच, अगर यहाँ तो हम पांच प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ हम दाएं पक्ष में भी क्या करेंगे, पांच जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए 3x यहाँ माइनस पांच यहाँ प्लस पांच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर पांच चार हमारा कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा। अब देखिए फिर हमें क्या करना है, यहाँ से तीन को क्या करना है, हटाना है, यानी हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे इस x को हटाने के लिए, तीन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण के दोनों पक्षों में तीन से भाग देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में तीन से भाग देने,
देखिए क्या हो जाएगा, 3x भाग देना कितने 3 से, तो यहाँ जब 3 से भाग देंगे 9/3, तो 3 से 3 हमारे क्या हो गया कैंसिल, यहाँ 3 3 का 9 हो गया, तो x बराबर हमारा कितना मिल गया 3। यही इस समीकरण का क्या हो गया हल हो गया। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आपको समीकरण को इसी प्रकार से हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं जांच, क्योंकि हमको समीकरण को जांच भी करना है, जांच भी करने के लिए। तो चलिए हम जांच करते हैं, देखते हैं कि यह समीकरण में हमारा जो x का मान आया है, तो x का मान अगर इस समीकरण में रखते हैं तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इस समीकरण का जो हल है वह सही है। अगर बराबर नहीं आता है तो समीकरण जो का जो हल है वह क्या है, गलत है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा समीकरण कितना है, 3x-5 बराबर कितना है 4 है। देखते हैं चलिए यहाँ पे x रखते हैं मान, तो 3x का मान कितना मिला हुआ, 3 3-5 बराबर कितना 4, तो 3 3 का 9, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो देखिए हमारा दोनों पक्ष क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे यह हमारा सवाल क्या है, यह कह सकते हैं कि इस समीकरण का जो हल है 3 वह क्या है सही। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसी प्रकार से सभी समीकरण को क्या करना है, हल करना है और उसकी जांच करना है। तो चलिए एक दूसरा सवाल और हम देखते हैं, तो सवाल नंबर हम देखते हैं थर्ड यानी सी नंबर सवाल, इसको हम जस्ट कर देते हैं। तो सी नंबर सवाल है बच्चों, 3x+2=14, क्या 3x+2=14 है। तो यहां से हमको समीकरण को, इस समीकरण को हल करके हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो पहले नंबर यहां पर देखिए, पहले यहां से हम 2 को गायब करेंगे, यानी 2 को इसको हमको गायब करना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +2 है, तो अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्ष में -2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 2 गायब हो सकता है। तो यहां लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में दो घटाने क्या करने पर, दो घटाने पर। तो चलिए यहाँ पे देखिए 3x+2 फिर -2 कर देते हैं, तो बराबर यहाँ क्या हो 14-2। हम यानी ये इस बात को ध्यान में रखना है सॉल्व को हल करते हुए कि जो हम दाएं पक्ष में करेंगे वही काम हम बाएं पक्ष में, यहाँ 2 अगर जोड़ेंगे तो हमको 2 दाएं पक्ष में भी क्या होगा जोड़ना पड़ेगा, ये केवल एक साइड में हमें नहीं करना है, हमें जो काम करना है दोनों पक्ष में। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर +2 है और हमारा क्या है -2, या कट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हमारा बचेगा 3x, और यहाँ क्या है 14-2, तो 14 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 12। अब फिर देखिए हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ x के साथ क्या हो जाएगा अगले के रूप में क्या है 3, अब इसको हमें यहाँ 3 से हटाना है, इसके लिए हमें क्या करना है, ना जोड़ने पर हटेगा ना घटाने पर ना गुणा करने पर, केवल हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण में 3 से भाग देने पर, यानी जो ऊपर समीकरण में क्या करने पर 3 से भाग देने पर, तो क्या आ जाएगा 3x/3, तो कितना 12/3, यानी हम जो दाएं पक्ष में करेंगे वो है बाएं पक्ष में ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ 3 छुट के 12, तो हमारा x का मान कितना मिल गया 4। तो हम क्या करेंगे इस समीकरण का जांच भी करना है, हमको देखना है कि यह सवाल हमारा जो आया है मान वह इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए चलिए जांच कर लेते हैं इस समीकरण का, हमारा जो समीकरण है कितना है 3x+2=14 कितना है 14, यानी अगर x का मान रखते हैं हम तो हमारा कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो देखिए 3x का मान कितना मिला हुआ है
चार मिला हुआ है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ इसके स्थान पे कितना रखेंगे, चार प्लस दो, तो तीन चौके बारह प्लस दो, बारह दो तीन हो जाएगा चौदह, यानी हमारा जो ये लेक्चर है यानी बाया पक्ष कह सकते हैं जब किसके बराबर है दाया पक्ष, जो हमारा दाया पक्ष है दोनों क्या है बराबर, तो हम कह सकते हैं जो समीकरण है उसका जो हल चार है वह क्या है आपका करेक्ट, और यही सवाल का आपको क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों क्या करना है आपको अपने सभी सवाल को इसी प्रकार से हल करना है और उसको यहाँ पे जांच भी कर लेनी। अब चलिए देखते हैं इसके बाद भी आपका एक सवाल है उसको पहले हम साफ करते हैं तीसरे नंबर में, और बाकी सवाल जितने भी आपके बच रहे हैं टू वाले यानी निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए मुझसे जांच करना है, तो इस प्रकार के सवाल को आप जांच करेंगे और हल करेंगे। और चलिए आते हैं हम तीसरे नंबर सवाल, देखते हैं हम जो तीसरा नंबर सवाल है जिसमें हमसे क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। इसमें भी हमें क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है और इसकी जांच करना है कि हमारा जो हल आ रहा है वह सही है कि नहीं है। चलिए तो हल करते हैं इस समीकरण को, तो देखिये पहले हमारा यहाँ क्या, पहले माइनस सात है, तो पहले हम सबसे पहले इसको हटाएंगे, तो क्या करेंगे इस समीकरण के दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस सात है तो प्लस सात अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा वह कट के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में सात जोड़ने का, सात जोड़ने का, चलिए जोड़ते हैं x प्लस तीन माइनस सात, यहाँ प्लस सात, यहाँ क्या करेंगे चार प्लस सात, ठीक। अब यहाँ हमारा क्या हो गया माइनस सात प्लस सात क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा बचा कितना x बटे तीन बराबर सात चार ग्यारह हो गया। अब यहाँ से बच्चे देखिए सात चार कितना होगा ग्यारह होगा, अब यहाँ से हमको तीन भी हटाना है तो तीन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में हमें यहाँ भाग में है तो इसको हटाना है तीन को, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में तीन से क्या करेंगे गुणा करेंगे, या फिर लिखेंगे समीकरण में उपर्युक्त समीकरण ले सकते हैं उपर्युक्त समीकरण में तीन से गुणा करेंगे, क्या करने पर गुणा करने पर, तो देखिए बच्चे जब इसमें हम इस समीकरण में तीन से गुणा करेंगे तो चलिए देखिए बच्चे हम क्या करेंगे इस समीकरण में तीन से गुणा करते हैं, तो देखिए अगर यहाँ से तीन है तो यहाँ तीन से गुणा करेंगे तो हमें इधर भी तीन से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से देखिए तीन से तीन हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हमारा हो जाएगा ग्यारह तीन सैंतीस, यहाँ हमारा मिल गया इसका क्या होगा। तो अब हमें क्या करना है इसकी जांच भी करना है, तो हम जांच क्या करेंगे या जो हमें एक्स का मान मिला इस समीकरण में हम रखेंगे तो देखेंगे कि इस समीकरण को यह हमारा संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, अगर इस समीकरण के बाएं पक्ष में एक्स का मान रखने पर हमारा चार आ जाता है तो हम कहेंगे यह समीकरण का जो हल है वह क्या सही है, तो चलिए हम यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ इस समीकरण को क्या कर देते हैं जांच कर देते हैं, तो देखिए समीकरण क्या एक्स बटे तीन माइनस सात बराबर चार, ये हमारा क्या बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ एक्स का मान कितना मिला है तैतीस, यहाँ बायां पक्ष में एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे तैतीस,
तो क्या हो जाएगा 35/3 - 7। तो 3 से 35 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 3, यानी 11 - 11 और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ देखिए हमारा दाया पक्ष कितना था, 4 का दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हम कहेंगे जो हमारा यह समीकरण का हल आया हुआ है 33 क्या है, इस समीकरण का हल है। या हमने जांच भी करके आपको दिखाया कि समीकरण का हल यानी x का मान रखने पर समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो बच्चों क्या करना, आपको इसी प्रकार से समीकरण को हल करना है। तो बस आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल नंबर 4 से आपको हल करना सिखाएंगे। बस आज को क्लास आपको क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।